खटाखट फटाफट पर जयशंकर ने राहुल को घेरा। जिंदगी खटाखट नहीं है, यहाँ कड़ी मेहनत की जरूरत है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को फिर क्यों कह दिया देशद्रोही और राहुल गांधी को देशद्रोही सुन आखिरकार खुले मंच पर क्यों भड़क उठी सुप्रिया श्री ने। लाइफ इज नॉट खटाखट, लाइफ इज हार्ड वर्क, लाइफ इज डिलिजेंस। व्हेन डिड वी एक्चुअली हैव गवर्नमेंट्स हु मेड अ मेजर पुश ऑन मैन्युफैक्चरिंग टू गेट द पीपल हु टुडे कम एंड से नो वी नीड टू फाइंड अ फिक्स। Until we develop the human resources, which requires hard work, until you build the infrastructure, until you have those policies. लोकसभा चुनाव के दौरान खटाखट और फटाफट की बात करने वाले राहुल गांधी को अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि विदेशी धरती पर विदेश मंत्री ने कहा है कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि भारत से चीन में जो है वो बहुत ज्यादा आयात करता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी सरकार ने दशकों तक विनिर्माण की उपेक्षा की, लेकिन वो चाहते हैं कि इससे कुछ सालों में ठीक कर दिया जाए। जिंदगी खटाखट और फटाफट नहीं है, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। जो यहाँ ये तमाम बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी को लेकर कही हैं, वो भी विदेशी धरती पर। It requires hard work. It doesn't happen in a day. I mean, we are struggling with some issues. If there's a big debate in this country, in our country, about manufacturing. Now the fact is, I mean, there are people who would say, why are we importing so much from China? Part of it is because we neglected manufacturing through the 1960s, 70s, 80s and 90s, and maybe even the first decade of 2000. When, I mean, think back, I mean, all of you are as connected and have as good a memory about our country as I do. When did we actually have governments who made a major push on manufacturing? And yet there are people who today come and say, no, we need to find a fix, as though it's something you can do instantaneously. In fact, and there are, by the way, people who actually also say that we are incapable of it. We should not even attempt it. So now ask yourself, can you actually be a major power in the world without manufacturing? Because a major power needs technology. Nobody can develop technology without developing manufacturing. But yet, you have that strain of thought also. So, as I said, you know, until we develop the human resources, which requires hard work, until you build the infrastructure, until you have those policies. So life is not khatakhat. Life is hard work. Life is diligence. Anybody who's held a job and labored at it knows it. जहाँ एक तरफ राहुल गांधी भारत को लगातार बदनाम करने के लिए एक के बाद एक बयान विदेशी धरती पर दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था देश की महिलाओं के लिए ये एक बड़ा ऑफर, जिसे भी जनता ने नकार दिया और कांग्रेस को टंगा दिया 99 सीटों पर। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए तमाम बातें जो है वो आज विदेश मंत्री के द्वारा कही गई, और उन्होंने कहा कि व्यक्ति को कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है और जीवन खटाखट नहीं है। विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय को जो है वो संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही हैं, और जैसे ही उन्होंने ये खटाखट वाली बात कही है, तमाम लोग जो विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुन रहे थे, उन्होंने जोर से तालियां बजाकर विदेश मंत्री के बयान का काफी ज्यादा स्वागत किया। दरअसल आपके लिए बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में जो है वो तमाम बातें बता रहे थे विदेश मंत्री। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर जो है वो एक बड़ा हमला बोला और कांग्रेस से सवाल भी पूछे, वो भी बिना नाम लिए हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
बुनियादी ढांचे के विनिर्माण की आवश्यकता और विशाल मानव संसाधन के बारे में बात करते हुए कहा कि जब तक हम मानव संसाधन को विकसित नहीं कर लेते तब तक हमें कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जब तक आप बेब यानी कि बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं कर लेते तब तक आपके पास नीतियां नहीं होती हैं। इसीलिए जीवन खटाखट नहीं है, जीवन में कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है और जीवन जो है वो एक कर्मठता नहीं है। देखिए आज तो उन्होंने ये सीधे तौर पर ये बात कही है और इसी के साथ राहुल गांधी और इसी के साथ आज जो विपक्षी पार्टियां लगातार चाइना को लेकर सवाल उठाती हैं और ये कहती हैं कि आज किस तरीके से भारत की जो सरकार है, भारत की जो मोदी सरकार है, वो कहती है कि चाइना से इतना ज्यादा सामान क्यों हो रहा है, लिया जा रहा है आयात के लिए। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ लोग हमारे चीन से आयात करने पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि हम चीन से इतना आयात क्यों कर रहे हैं। साल 1960, 1970 और 1980 और 1990 के दशक के दौरान सरकारों ने विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब हमने इसका हल खोजने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं है और हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। मजबूत मैन्युफैक्चरिंग के बिना आप प्रमुख वैश्विक ताकत कैसे बना पाए, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और अच्छी नीतियों की जरूरत होती है। और फिर उन्होंने इसी बात को दोहराया है कि जीवन जो है वो खटाखट नहीं है, जीवन में कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है और हमें ये काम जो है वो मेहनत से करना पड़ेगा। और देखिए जो मेहनत और बार बार पे खटाखट का जिक्र जो है वो विदेश मंत्री के द्वारा किया गया, ये दरअसल राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को एक बड़ा झटका यानी कि एक बड़ा हमला जो है वो कांग्रेस के नेता के ऊपर किया गया, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने ही खटाखट का वादा जो है वो देश की जनता से किया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि हम जनता के लिए यानी कि जो गरीब महिलाएं हैं अगर हमारी सरकार आती है तो उन्हें हम 1,00,000 रुपया देंगे, 8,500 रुपया हर महीने जो है वो गरीब महिलाओं के अकाउंट में आएगा, जिसके कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से अपनी गारंटियों को फुलफिल करने में जो है वो नाकामयाब रही और इसको लेकर कई सवाल जो हैं वो भी उठे। और यहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये भी कहा कि कुछ भी चीजें जो हैं वो आपको फ्री में नहीं मिलती हैं, जिस किसी ने भी नौकरी की है और कड़ी मेहनत से काम किया है वो ये बात जानता है और कि मेहनत जो है वो जीवन में करनी पड़ती है। और इसीलिए मेरा आपके लिए ये संदेश है कि हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और फ्री में जो है वो कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि राहुल गांधी तो हर चीज जो है वो फ्री में ही देने की बात कर रहे थे। जो राहुल गांधी आज देश को फ्रीबीज में बांटना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं, उन्हीं राहुल गांधी को जो है वो कोई भी सपोर्ट इन बीते लोकसभा चुनाव में ज्यादा नहीं मिला था। और आपके लिए बता दें कि एक तरफ तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के ऊपर इन तमाम चीजों को लेकर बड़ा हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ एक और मामला भी सामने आया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के लिए कह दिया देशद्रोही, और इतना ही सुनते हुए बीच मंच पर बौखला उठी सुप्रिया श्रीनेत, जो कि राहुल गांधी की काफी ज्यादा करीबी हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, जो कि अपनी कभी गाली गलौज या फिर आपा खोने के लिए भी जानी जाती हैं, वो भी डिबेट के बीच में। दरअसल आपके लिए बता दें कि एक निजी चैनल की डिबेट के दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने सत्यपाल मलिक को लेकर सवाल उठाया और कहा कि आज हरियाणा का चुनाव हो रहा है पर सत्यपाल मलिक जो कि एक जाट थे उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आतंकवादी कह दिया, उसे गलत कह दिया, उसे दुश्मन बता दिया, पर इतने पे ही गौरव भाटिया ने एक सवाल पूछ दिया कि आप जिन गवर्नर की बात कह रही हैं उन्हें गवर्नर क्या आपकी सरकार ने बनाया था।
वो गवर्नर तो उन्हें हमारी सरकार ने बनाया था, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि देशद्रोही कोई और नहीं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं, जो कि विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सिखों को गाली देते हैं और राहुल गांधी देशद्रोही हैं। और इतना सुनते ही सुप्रिया श्रीनेत आपा खो बैठी और इतने में उंगली दिखाकर गौरव भाटिया को तू तड़ाक करने पर उतर आई, और इतने पर एंकर को जो है वो पूरी डिबेट को शांत कराना पड़ा। यानी कि देखिए, और इसी क्लिप को लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ताओं को थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि किस तरीके से वो देश या राज्यों के चुनावों को भूलकर सीधे अगर राहुल गांधी के ऊपर कोई बात आती है तो किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो आपा खो बैठते हैं। जिस तरीके से तस्वीरों में सुप्रिया श्रीनेत भी यही करती हुई नजर आ रही है, और इसी वीडियो की क्लिप को गौरव भाटिया ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि धुलाई तो इसे कहते हैं जब गाली वाली मैडम पागलों की तरह चिल्लाने लगी। याद रखना सामना किससे है, जैसे को तैसा, और हाँ आवाज नीची रखकर बात करो वरना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आप शब्द नहीं सुनेंगे। और हाँ, जो हरकतें राहुल गांधी ने अमेरिका में की हैं वो बिल्कुल देश विरोधी हैं। यानी कि राहुल गांधी का वो बयान जिस पर उन्होंने आरक्षण को लेकर बात कही कि हम आने वाले समय में आरक्षण जो है वो खत्म कर देंगे अगर तमाम चीजें समतल रहती है और उस तरीके की स्थिति नहीं रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सिखों को लेकर जो बयान दिया था वो मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। एक तरफ सिख समाज के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब भी राहुल गांधी भारत आएंगे हम उन्हें एयरपोर्ट पर ही घेरेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जो अपमान किया है उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।